दारू के दम पर प्रधानी का चुनाव जीतने की तैयारी में लगे प्रत्याशियों पर और यहाँ पुलिस ने अपनी तिरछी निगाह बना रखी है। इलाकाई पुलिस और प्रत्याशियों के बीच लुका छिपी के बीच जारी इस घमासान में दारूबाज मतदाताओं का भले ही नुकसान हो रहा है, लेकिन चुनाव की सुनिश्चितता जरूर बरकरार बनी हुई है। प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी हर जतन करने में जुट गए। मतदान का जयमय जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे प्रत्याशी की सक्रियता बढ़ती जा रही है। प्रत्याशियों पर अपनी तिरछी निगाह लगाए बैठी और यहाँ पुलिस ने बीते 9 और 10 अप्रैल की रात को इरवा कटरा ब्लॉक के पखनगोई में प्रधानी का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सलमान और उनके 3 अन्य समर्थकों को 40 क्वार्टर देशी दारू के साथ दबोचा। पकड़े गए आरोपी सलमान और उनके समर्थक सरकारी ठेका से देशी शराब खरीद कर गाँव में मतदाताओं को बांटने जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम के निर्देश पर पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने की कोशिश के तहत रात में चेकिंग पर निकली पुलिस को यह सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त विष्णु चंद्र तिवारी, अन्नू व सद्दाम भी शामिल हैं, जो प्रधान पद के प्रत्याशी सलमान के साथ ही मौजूद थे। इलाकाई पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक वैगनार कार जिसका नंबर UP80AJ9405 है बरामद किया। कार को सीज कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। स्थानीय निर्वाचन के सकुशल सम्पन्न कराए जाने के निमित्त SP महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग के दौरान अरवा कटरा थाना अंतर्गत उमरेन चौकी सुत्यानी मोड़ के पास कमला स्वीटर्स के सामने रात 3 बजे पुलिस टीम द्वारा एक वैगनार जिसमें 4 व्यक्ति विष्णु तिवारी, अन्नू, सद्दाम और सलमान, जिसमें सलमान प्रधान पद का संभावित प्रत्याशी भी है, उसके पास से 40 क्वार्टर शराब जो देसी ठेके से ली गई थी बरामद की गई गाड़ी से, जो कि वो बांटने के लिए ले जा रहा था। संबंधित धाराओं में 60/72 एक्साइज एक्ट और 171E आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन में मुकदमा पंजीकृत किया गया, चुनाव और वाहन को सीज किया गया और एक मैसेज दिया गया रहा है कि चुनाव में किसी भी तरीके से शराब का वितरण इत्यादि नहीं करने दिया जाएगा और चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।